हमको ये दिखाना है दुनिया वालों को कि हम क्या कौम है। अगर वो बिगड़े हैं, वो गलत रास्ते पे है, तो हमको गलत रास्ते पे नहीं आना है। हमको अपने अखलाक से, अपने दीन से और अपने तहजीब से, हदीस से, कुरान से सिखाकर हमको सिखाना है कि हम क्या कौम है। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑल न्यूज इंडिया। आज जब हर चौक चौराहे पर सर्टिफिकेट बांटने वाले बैठे हैं, ऐसे में बेहद चौकन्ना होकर के चलने की आवश्यकता है। और जिस तरह से नुपुर शर्मा का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी शांत होने वाला नहीं है। इसलिए जरूरी क्या है, जरूरी यह है कि सबसे पहले शांति कायम की जाए और शांति के साथ में, संविधान के साथ में अपनी आवाज जो उठाई जाए। कल दिन भर जो है वो जुम्मे के बाद जो तस्वीरें लगातार सामने आती रही, वो वाकई जो है वो चिंता में डालती है। लेकिन एक तस्वीर, एक वीडियो सामने आई, वो वीडियो सामने आई मुंबई से, नवी मुंबई के अंदर, और वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे। यहां पर जो है, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इकट्ठा हुए जुम्मे की नमाज के बाद में, और उन्होंने जो बात कही है वो बात बड़ी है और वो बात दूर तक जानी चाहिए। वो कह रहे हैं, मैं आपको वीडियो सुनाऊंगा, करीब जो है वो एक मिनट के आसपास की वीडियो है। इस वीडियो के अंदर वो कह रहे हैं, थोड़ी आवाज थोड़ी सी कम साफ है, आप ध्यान से सुनने की कोशिश करना, जो मोटी मोटी बात है वो मैं आपको बताता हूं। वो कह रहे हैं कि हम लाइन में, हम कतार में चलेंगे, ऐसा कोई नारा हम नहीं लगाएंगे जिससे हिंदू मुसलमान की एकता खतरे में पड़े, उसको नुकसान पहुंचे। कौन कह रहा है इस बात को? मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वो अपना विरोध प्रदर्शन शुरू करने से पहले इस बात को कह रहे हैं। उसके बाद में वो कह रहे हैं कि वो बिगड़े हैं, हमें नहीं बिगड़ना है। और उसके बाद में कहा है कि हमको गलत रास्ते पर नहीं आना है, हमको दिखाना है दुनिया को कि हम कौन सी कौम है। ये वाकई जो है वो, अगर इस्लाम के बारे में खुद नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस्लाम जो है वो शांति का प्रतीक है, तो फिर जो है वो ऐसे में लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, आपके इस्लाम के मानने वाले लोगों के ऊपर जो है वो, और उनके कंधों पर और जिम्मेदारी आ जाती है कि वो शांति व्यवस्था बना करके दिखाएं। उस उन्होंने कहा कि हमको दिखाना है कि हम कौन कौम है, हमें उनके बोलने पर नहीं बिगड़ना है, हमारा जो दीन कहता है हमें उस पर चलना है। यानी कोई हमें अगर छिटाकसी करके, कोई उल उजुल की बातें कह करके अगर हमें भड़काने की, बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो हमें उससे नहीं बिगड़ना है, हमारा जो दीन कहता है हमें उसके ऊपर चलना है। सुनिए जरा एक बार किस तरह से बातें कही गई, फिर उसके बाद में बात करेंगे। कई सारी ऐसी बातें, कई सारे ऐसे वरिष्ठ पत्रकारों ने भी कुछ लिखा है, उस पर भी बात होगी, लेकिन पहले आप इनको सुनिए। हम जब चलेंगे कतार में चलेंगे, कोई ऐसा नारा स्लोगन नहीं लगाएंगे जिससे हमारे हिंदू मुस्लिम किसी भाई को तकलीफ हो, बल्कि पीसफुल जाएंगे, पीसफुल आएंगे। हमको ये दिखाना है दुनिया वालों को कि हम क्या कौम है। अगर वो बिगड़े हैं, वो गलत रास्ते पे है, तो हमको गलत रास्ते पे नहीं आना है। हमको अपने अखलाक से, अपने दीन से और अपने तहजीब से, हदीस से, कुरान से सिखाकर हमको सिखाना है कि हम क्या कौम है। हम उनके बोलने पे नहीं चलेंगे, हमारा दीन जो कहता है हम उस पर चलेंगे। तो इस बात का ख्याल रखिए, इस रैली को पुरअमन तरीके से ले जाए, कोई इंतजार न हो। पहले से ही इस बात का अंदेशा जताया जा रहा था कि अगर मुस्लिम समुदाय के लोग जुम्मे की नमाज के बाद में अगर विरोध प्रदर्शन करने के लिए आएंगे, तो फिर जो है उसको बिगाड़ने की कोशिश होगी और उसके जरिए एक संदेश देने की कोशिश होगी कि देखिए साहब, ये तो जुम्मे के दिन लगातार टीवी में चल रहा है इस बात का कि जुम्मे के दिन जो है वो नमाज में, जो मस्जिद है उसमें नमाज अदा करने के लिए नहीं जाते हैं, बल्कि वहां से पत्थर लेने के लिए जाते हैं। और जैसे ही जुम्मे की नमाज के लिए वहां पर जाते हैं, उसके बाद में पत्थर लेकर बाहर आते हैं और फिर शहर के अंदर पत्थरबाजी करते हैं। ये लगातार नैरेटिव चल रहा है और इसी को लेकर के असरत मदनी ने जो है वो 30 मई को ही जो है वो करीब 10-12 दिन पहले लिख दिया था, क्योंकि 27 मई को जो है वो नुपुर शर्मा का बयान आया था। अब देखिए उन्होंने क्या लिखा था। सांप्रदायिक वर्ग चाहता है कि मुसलमान गुस्से में सड़कों पर उतरे और झड़प हो, हमें इस साजिश पर होशियार होना होगा। हमारी लड़ाई आम लोगों से नहीं बल्कि सरकार और सांप्रदायिक तत्वों से है। सरकार को चाहिए कि श्रीलंका के हालात से सीख लें और तनाव का माहौल पैदा न करें। यह जो है वो अरशद मदनी ने 30 मई को कह दिया था, 10 रोज पहले कह दिया था। सब लोगों को पता था इस बात का कि जिस तरह से पूरा माहौल तैयार किया गया हो, और अभी तक जो है, अब ये कई सारे लोग जो है इस बात पर खुल करके कहने लगे हैं
कि नुपुर शर्मा को इसलिए जो है वो बचाया जा रहा है, शायद इसलिए जो है उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्योंकि इस बहाने जो है वो ये देखना चाह रहे हैं कि कितना जो है यहां पर माहौल खराब होता है और फिर उसके बाद में कितने लोगों पर कार्रवाई करने का मौका मिलता है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये खुर्शीद जो कि वरिष्ठ पत्रकार, इन्होंने लिखा है, ए मुसलमानों जुम्मे का जनाजा मत निकालो। देखिए बड़ी बात लिखी है वाकई इन्होंने, ए मुसलमानों जुम्मे का जनाजा मत निकालो, ए सरकारों कानून का मजाक मत बनाने दो, सबके साथ इंसाफ करो। तो वाकई जो है वो ये दोनों तरफ की जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है इंसाफ करे, क्योंकि यहां का मुसलमान वो अरब देशों से नहीं चाहेगा कि अरब देश आकर के उसको जो है वो कोई सजा दे। यहां की सरकारों के लिए यहां का मुसलमान वोट करता है, देश की सरकारें, राज्य की सरकारें यहां का मुसलमान चुनता है, तो यहीं की सरकारें उसके साथ में इंसाफ करें, ना कि अरब देशों से कुछ लोगों को आकर के जो है वो डिफेम करना पड़े हम लोगों को, हमारे राजदूत को बुला करके वहां पर जो है वो माफी की बात कहनी पड़े, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए और ये होता भी नहीं। अगर सरकार ने पहले ही कदम उठाया होता तो ये बिल्कुल नहीं होता। मैं आपको कुछ और दिखाता हूं, ये देखिए जफर सैफी ने लिखा है, रहमतुल्लील आमीन मोहम्मद के नाम पर पत्थरबाजी करने वालों तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम्हारी जहालत से तुम्हारे नबी का नाम ऊंचा हो रहा है, कानून अपना काम कर रहा है खुदा के वास्ते, अब शांत बैठ जाओ। किसी नफरती चिंटू के दो रास्ते, दो नफरती बोल हमारे आका की शान को कम नहीं कर सकते। और देखिए ये वो लोग हैं जो लगातार जो है वो मुस्लिम समुदाय के लोगों की आवाज को उठाते रहे हैं और वो इस बात को कह रहे हैं। और निश्चित तौर पर आप ये बताइए कि इस प्रकार की जो पत्थरबाजी है, क्या वो जो मुन्नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने की जो बात हो रही है उसको मजबूत करेगी या उसको जो है वो कमजोर करेगी? विरोध करना चाहिए। और कल सुबह जो पहली वीडियो मैंने की थी, और उस वीडियो में मैंने यही कहा था कि 144 लागू हो गई है, करीब 150 गलियां कानपुर की जो है वो उनके अंदर पुलिस लगा दी गई है, ड्रोन से निगरानी हो रही है, तमाम सारी बातें मैंने कल बताई थी आपको। और कल ही सुबह ये उदाहरण दिया था कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को किसान आंदोलन से सीख लेने की आवश्यकता है। किसान आंदोलन साल भर तक चलता है लेकिन उसमें कोई हिंसा नहीं हुई, कुछ छुटपुट चीजों को छोड़ दीजिए आप, लेकिन बड़े लेवल पर जो है वो कोई उतनी बड़ी हिंसा, उस तरह का पत्थरबाजी, आगजनी वगैरह नहीं हुई। और उसी का नतीजा था कि मोदी सरकार को घुटने पर आना पड़ा, माफी मांगते हुए उन कानूनों को वापसी लेना पड़ा, खुद मोदी जी को वापसी करना पड़ा। यहां पर तो एक प्रवक्ता है, अगर शांति के साथ में चौक चौराहे पर अगर एक घंटे के लिए भी अगर लोग बैठ जाएंगे लेकिन शांति हो, अगर पत्थरबाजी होगी तो आप किसका नुकसान कर रहे हैं? आप अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं, इसलिए बहुत जरूरी है। और आप देखिए ये जो बातें निकल करके सामने आ रही है, ऐसा नहीं है कि किसी तरह से जो है ये और लोगों का नुकसान है, ये अपना ही नुकसान है। मैं आपको एक जो है और दिखाता हूं किस तरह से 3 लोगों की जो है वो मौत हो गई है, और अब भी अगर हम ना बोले तो फिर क्या कहेंगे? ये देखिए हमनाज है, उन्होंने लिखा है, अभी साहिल के घर वालों से बात हुई है, मूक नायक की ये जर्नलिस्ट है, इन्होंने लिखा है कि अभी साहिल के घर वालों से बात हुई है, साहिल अब नहीं रहा, एक घर का चिराग उज गया, दिल दर्द में डूब गया, सूचना है कि उनके साथ में 3 और लोगों की जान गई है, आप सबसे दरख्वास्त है कि बंद करिए ये सब प्रॉफिट मोहम्मद के नाम पर, प्रॉफिट मोहम्मद की जिंदगी खुद मिसाल है नफरत के बदले प्यार देने की। तो वाकई जो है वो जिस तरह के हालात बन रहे हैं, आज सुबह फिर से पश्चिम बंगाल के अंदर जो है वो हिंसा की खबरें दोबारा से सामने आई। अब बताइए कि ये जो प्रॉफिट मोहम्मद के नाम पर जो कुछ लोग जो है वो उतर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर ममता बनर्जी तो खुद आवाज उठा रही है, रांची में तो खुद आवाज उठ रही है, रांची में तो खुद जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वो खुद आवाज उठा रहे हैं, लेकिन ये लोग कौन है जो लगातार जो है वो पत्थरबाजी करके वो राज्य करना चाह रहे हैं, देश का माहौल खराब करना चाह रहे हैं, और खास करके मुस्लिम समुदाय के मुंह पर काली पोतने का काम कर रहे हैं। आप जो है ऐसे लोगों को पहचान करके बाहर करिए। विरोध दर्ज कराना और हिंसा होना दो अलग अलग धुरे हैं और उनको कभी एक नहीं किया जा सकता, विरोध और हिंसा कभी एक साथ नहीं चल सकती। अगर विरोध के बीच में अगर हिंसा आ गई तो उसका कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कहीं से आवाज नहीं उठेगी, और आपकी आवाज को कुचलने के लिए सरकार, मीडिया सबको जो है वो आसानी हो जाएगी। इसलिए जाहिर तौर पर जब इतनी बड़ी प्रोटेस्ट हुआ है, इतना बड़ा जो है वो आंदोलन चला है, इतने लोगों ने जो है वो आवाज उठाई है, तो शांति के साथ में हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। बड़ी चीजें यह है कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिंसा में
लोगों की जान चली जाती है। ये साहिल भी उसी धर्म का था, ये साहिल भी प्रॉफिट मोहम्मद साहब को मानने वाला था, लेकिन इसकी जान क्यों गई, क्यों ऐसे हालात बने, इस चीज पर जो है सोचना चाहिए। बहरहाल इस वीडियो को, इस खबर को आगे तक शेयर कीजिए, लोगों को समझ में आए। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ ने सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर